G20 के लिए एंकर इंस्टीट्यूट बनाया गया है। जैसा आप हम जानते हैं, इसकी थर्ड मीटिंग G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की भुवनेश्वर में है 27 से 29 अप्रैल। तो उसके लिए 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक एंकर इंस्टीट्यूट्स कुछ एक्टिविटीज़ कर रही हैं। हमने 1 अप्रैल से एक्टिविटी करना शुरू किया है और फर्स्ट डे प्रभात फेरी से हमने शुरू किया था। कल हमने साइक्लोथॉन किया था और बाहर हम हमारे बच्चे करीब 200-250 बच्चे बाहर साइकिलिंग करके हैं। और आज हम ये लेडीज़ स्टाफ वर्सेस स्टूडेंट्स, जेंट्स स्टाफ वर्सेस स्टूडेंट्स क्रिकेट मैच और थ्रोबॉल मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो थीम दी गई है वो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन पर बात करती है। केवल मेंटल डेवलपमेंट नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो स्पोर्ट्स को किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे कर सकते हैं, बच्चे एंजॉय करें पढ़ने में ना कि उसको स्ट्रेस लें।